लेकिन आश्चर्य करने वाली बात यह है कि सरकार ने बगैर सोचे समझे ईंट भट्टा मालिकों पर आदेश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन स्थायी तौर पर यह नहीं सोचा कि पंजाब भर में 3000 भट्टे हैं, उनको किस प्रकार की प्राली सरकार दे पाएगी। उनसे जो भी मिट्टी बनेगी उसके लिए क्या सरकार ने ईंट भट्टा मालिकों को ट्रेनिंग दे दी है? जबकि भट्टा मालिकों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने उनसे बगैर सलाह किए और बगैर मशवरा किए उन पर ये आदेश थोप दिए हैं। लेकिन ये असंभव है क्योंकि प्राली से पकने वाली ईंट कच्ची रह जाती है, जिससे ग्राहक ईंट लेने से गुरेज करेगा, जिससे उनका भारी नुकसान होगा, चाहे सरकार ने उन्हें 6 महीने का समय दे दिया है। लेकिन ईंट भट्टा मालिकों को ये आदेश बहुत महंगा पड़ेगा और इस स्थिति में भट्टे बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। सरकार को पुनः अपने आदेश पर ध्यान देना चाहिए ताकि पंजाब में ईंट भट्टा का उद्योग प्रफुल्लित हो सके, क्योंकि हजारों की संख्या में लेबर काम कर रही है, तो कहीं वह बेरोजगार ना हो जाए, इसलिए सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦਆਊਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। पर मैं 2-3 चीज़ा सरकार को थोड़े तक पूछना चाहना भी ये सरकार मई तक तो यानी अगले साल की तैयारी वास्ते मान ला तो साढ़े को पंजाब के अंदर अंदाजा 3000 भट्ठा है जिड़ी कि 100 क्विंटल पराली की रोज कंजप्शन मान लो करेगा इट बनाने वास्ते, तो पंजाब को सरकार दस सकती भी इन्नी मैनुफैक्चर यूनिट है कि 3000 भट्ठिया पराली की जी गठ है, गठ तो नहीं कहेंगे इन्होंने पैलेट यूज किया वर्ड छोटी गट्टी बना के वरतन भी ये तो इन्नी प्रोडक्शन फैक्ट्रीज है ही नहीं जिहड़ा सप्लाई कर सकन। दूसरा अगर है भी तो वो सरकार ये दसे भी इन्हों चलाने वास्ते ट्रेन स्टाफ कितने है, कोई सरकार दे ऐसा कोई अदारा नहीं है जिहड़ा जलाई वाले नूं ट्रेनिंग दे सके भी इन्हें जलाना किवें, आफ्टरऑल इट बनानी है और जितों तक साडा अंदाजा है पराली दे नाल इनकी गट्टी दे नाल इट नहीं बन सकती। अगर वो ट्रायल करना भी चाहे गवर्नमेंट को करे तो अगर उनका नुकसान होएगा तो उनका मुआवजा या उनका जिहड़ा खर्चा कौन बियर करेगा। सो कई चीज़ों की दिक्कत है, ना ही तो भट्ठे वाले को कोई सबसिडी है, हालांकि असी तुहानू ध्यान होएगा कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने साढ़े ते फोर्सफुली हाई ड्राफ्ट भट्ठिया की एक मतलब साढ़े ते धक्के नाल सानू कराया गया, असी बड़े इकनोमिक क्राइसिस लंघ रहे हैं, भट्ठा इंडस्ट्री पहले ही प्रॉब्लम्स फेस कर रही है कई, उनके बावजूद असी हाइड्रॉट पट्ठे किए, असी पहले रेड कैटेगरी तो हम ऑरेंज के अंदर आए हैं, असी तो अपना पोल्यूशन पहले घटाता है और असी समाज के विच ये अपना हिस्सा पाने तैयार हाँ कि पराली की समस्या अगर साडा रोल अच्छे तरीके प्ले हो सके सानू इतराज नहीं है, असी भी समाज चाहते हैं भी पोल्यूशन घट होना चाहिए, असी अपना हिस्सा वध तो वध पाना भी चाहते हैं, लेकिन इस तरह नहीं भी रातों रात कोई ऑर्डर पास करते हो तो उन्होंने इंप्लीमेंट किवें करना है, उस इंप्लीमेंट के अंदर अपने को मशीनरी की है, बैकअप की है, और ना दी नाल अगर कोई गवर्नमेंट साढ़े को साढ़े थ्रू समाज में कुछ देना चाहती तो भट्ठा इंडस्ट्री को भी कोई साथ दे, कोई सबसिडी दे, या भट्ठा इंडस्ट्री के नाल इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया जाए भी तुम पर टन के हिसाब से जिनी बालोगे कोई सानू कार्बन क्रेडिट्स देन, कोई सानू उनकी सबसिडी देन, होर ना हो सके साडे नाल कॉन्ट्रैक्ट कर ले गवर्नमेंट कि जिहड़ा बंदा जिनी पराली कंज्यूम करेगा उनकी 1,00,000 हिट या 19 इटा जड़िया गवर्नमेंट खुद चकेगी, गवर्नमेंट के अदारे ने वो यूज करे, लेकिन ये फैसला सही नहीं है, ये फैसला सिर्फ पब्लिक को दिखाने वास्ते है, ये फैसला प्रैक्टिकल जमीन पर जब उतारा जाएगा ये सक्सैसफुल नहीं रहेगा। असी तैयार हाँ लेकिन सानू प्रॉपर साड़ी सलाह साड़ी सपोर्ट और पिछों बैकअप तैयार करके जाया जाए जिन्हें समस्या हल हो, साडा तो यही कहना है जी, बाकी साडे वालों कोऑपरेशन रहेगी किसी भी तरह की, लेकिन गवर्नमेंट को प्रॉपर तैयारी ना लाना चाहिए, रातों रात फैसला नहीं करना चाहिए। हिमाचल में चुनावों के बेहतरीन कवरेज के बाद अब पंजाब और जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं हम, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे हम, आपकी आवाज को प्रशासन तक पहुँचाएंगे हम। किसी भी समस्या या परेशानी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हम हैं AMI News, आपकी आवाज आपकी आवाज़।